सीएस रैंक को गाइस आप लोग कैसे अनबैन कर सकते हो। मतलब गाइस सीएस रैंक जो बैन होता है जो कि दो कारण की वजह से, पहला कारण है जो कि होना स्कोर जो कि वो कम होता है तो बैन होता है, एंड दूसरी नंबर पे नॉर्मली रैंक बैन। मतलब गाइस आप लोग का अभी मतलब ऐसा लग रहा है बीच भाई ये नॉर्मल रैंक बैन क्या है एंड होना स्कोर क्या है, तो काफ़ी लोग मतलब पता नहीं है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप लोग को ये वीडियो के अंदर मैं नॉर्मली समझा देता हूँ। होना स्कोर ऐसा स्कोर है जो कि उसका अंदर जो कि गाइस आप लोग को 90 से ऊपर रखना होगा, ठीक है, 90 से ऊपर स्कोर रखना होगा, नहीं तो आप लोग को रैंक बैन हो जाएगा जो कि सीएस रैंक, ठीक है। एंड ये जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है जो कि नॉर्मल वाला जो रैंक होता है जो कि बीआर रैंक, तो इसको बैन होता है जो कि 80 से कम हो जाता है तो होना स्कोर इसको बैन हो जाता है, ठीक है। एंड जो कि गाइस आप लोग को कुछ मतलब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा दो स्टेप। मतलब गाइस ये तो पहला कारण आप लोग समझ चुके हो जो कि होना स्कोर की वजह से, एंड दूसरा जो कारण है जो कि नॉर्मली आप लोग को सीएस रैंक बैन होता है, तो क्यों रीज़न क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड आप लोग को कुछ कुछ बात मैं आप लोग को बात बताऊंगा तो गाइस आप लोग उसको फॉलो करना होगा, देन गाइस आप लोग को पता लगेगा जो कि सीएस रैंक बैन क्यों होता है। एंड आप लोग कुछ गलती भी करते हो इसीलिए सीएस रैंक बैन होता है, तो उस गलती को भी आप लोग पता चल जाएगा जो कि कौन सा गलती आप लोग को नहीं करना है, नहीं तो गाइस आप लोग को सीएस रैंक बैन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो कि सीएस रैंक बैन होता है जो कि दो कारण की वजह से, पहला है जो कि होना स्कोर, दूसरे नंबर पर नॉर्मल रैंक बैन। नॉर्मल जो रैंक बैन होता है जो कि गाइस आप लोग रैंक में मतलब मान लो आप लोग सीएस रैंक खेल रहे हो, ठीक है, तो सीधा गाइस आप लोग बैक कर देते हो, मतलब आप लोग को मम्मी वगैरह कोई बुला लेते हैं काम में तो आप लोग क्या करते हो जो कि बैक कर लेते हो, ठीक है, एंड कोई भी काम होता है तो आप लोग ऐसे बैक कर लेते हो। एंड उसके बाद जो कि सीएस रैंक में क्या होता है, जब भी गाइस आप लोग मतलब सीएस रैंक तो स्टार्ट कर देते हो लेकिन गाइस आप लोग का कैरेक्टर खड़ा रहता है तो आप लोग कुछ खाने के लिए चला जाते हो एंड कुछ ऐसे घूमने के लिए चला जाते हो गेम छोड़ के, तो कुछ इस कारण की वजह से जो कि आप लोग को कैरेक्टर मूव नहीं होता है, ठीक है, जो कि इसलिए बैन कर देते हैं आप लोग का आईडी, ठीक है। एंड आप लोग को एक्टिव रहना होगा तो कैरेक्टर को थोड़ा सा भी आप लोग को हिलाना होगा, नहीं तो गाइस आप लोग एक्टिव रहना होगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग को रैंक बैन हो जाएगा। तो आप लोग ये गलती मत करना जो कि आप लोग गेम के अंदर जाके खड़ा मत रहना एंड आप लोग गेम में से बैक मत करना, ठीक है, आप लोग मिनिमाइज कर देना एक बार तो काम हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस तब भी बैन हो जाता है, मैं देखा बहुत ही बार, तो काफी लोगों को लगता है जो कि मिनिमाइज करने से बैन नहीं होता है तब भी गाइस हो जाता है। तो आप लोग मैं बताऊंगा जो कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे अनबैन कर सकते हो, एंड ये मैं गाइस आप लोग को बताया जो कि सीएस रैंक नॉर्मल रैंक बैन। तो उसके बाद जो कि होना स्कोर जो रैंक बैन होता है जो कि गाइस इसको होता है आप लोग क्या मतलब एएफ के, मतलब गाइस जब भी आप लोग कोई बंदे को गाली वगैरह देते हो तो इसी के वजह से गाइस आप लोग को होना स्कोर कम होता है एंड उसके बाद आप लोग को रैंक बैन होता है। होना स्कोर जो कम होता है जो कि एक कारण नहीं, ये भी होता है जो कि रैंक में से बैक करते हो तो भी होना स्कोर कम होता है। एंड उसके बाद गाइस आप लोग क्या करते हो जो कि ये जो गेम में मैं पहले ही बताया जो कि खड़ा रहते हो इसकी वजह से भी होना स्कोर कम होता है, ठीक है। एंड और भी बहुत सारा रीजन है, मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आप लोग को पता नहीं लगेगा, नॉर्मली जो मैं आप लोग को बताया वो ही करना, ठीक है। एंड आप लोग ये और एक बार मैं बता देता हूँ जो कि देखो जब भी कोई बंदा आप लोग को मतलब नॉक करते हो आप लोग उसके बाद जाके उसको लॉल मारते हो, ठीक है, वो अगर रिपोर्ट करता है तो भी आप लोग को होना स्कोर कम होता है, ठीक है। एंड ये मैं आप लोग को दो तरीके से बताया जो कि रैंक बैन होता है, तो अगर कहीं आप लोग जाके देखना मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रोफाइल में जाके मैं दिखा रहा हूँ देख सकते हो होना स्कोर में, तो मेरा अभी 99 है, ठीक है, तो मतलब गाइस इसको मेरा ज्यादा है तो अभी मैं रैंक भी खेल सकता हूँ, सब कुछ खेल सकते हो, ठीक है। अगर गाइस आप लोग को होना स्कोर 90 से ऊपर है आप लोग चेक करना आप लोग आईडी पे जाके, तो गाइस आप लोग को जो कि होना स्कोर को प्लस करना होगा, तो होना स्कोर को प्लस करने के लिए आप लोग क्या करना होगा जो कि गेम खेला होगा हार्ड डेली आप लोग को 5 ही गेम खेलने से 5 प्लस मिलेगा, और जितना भी गेम खेलोगे नहीं मिलेगा, तो आप लोग को मान लो 7 गेम खेला जो कि आप लोग को 7 प्लस नहीं मिलेगा, तो हार्ड डेली लिमिटेड है जो कि 5 प्लस मिलेगा, होना स्कोर को हार्ड डेली 5-5 करके प्लस कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर गाइस आप लोग को प्लस हो जाता है तो आप लोग को सीएस रैंक अनबैन हो जाएगा, 90 से ऊपर चला जाएगा तो होना स्कोर। एंड उसके बाद दूसरा जो टिप्स है जो कि मैं दो तरीके से बताया जो कि पहला होना स्कोर, दूसरा है नॉर्मल रैंक बैन। नॉर्मल जो रैंक बैन होता है जो कि उसको आप लोग को अनबैन करने के लिए आप लोग को क्लास कोड मूड को सिलेक्ट करके खेलना होगा गेम को, ठीक है, एंड बुया करने की कोशिश करना। एंड क्लास कोड मूड को जो गाइस आप लोग खेलोगे जो कि आप लोग को ऐसा 3-4 गेम खेलना है पूरा गेम, आप लोग मतलब एक्टिव रहना है गेम एनिमी को किल भी करना है, तो 3-4 गेम खेलोगे तो आप लोग को सीएस रैंक अनबैन हो जाएगा। तो दो मैं तरीका जो बताया गाइस, आप लोग का पहला होना स्कोर को चेक करना है, अगर गाइस होना स्कोर कम है तो आप लोग क्या करना होना स्कोर को प्लस करने की कोशिश करना। एंड होना स्कोर को प्लस करने का तरीका मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, ओल्ड वीडियो में मतलब काल में वीडियो छोड़ा हूँ, तो वीडियो जाके आप लोग देख लेना, जल्दी जल्दी आप लोग होना स्कोर को प्लस कर पाओगे। एंड उसके बाद दूसरा स्टेप है जो कि गाइस आप लोग को नॉर्मली रैंक बैन जब होता है तो आप लोग क्या करना क्लास कोड को आप लोग सिलेक्ट करके खेलना, तो आप लोग को जो सीएस रैंक बैन हुआ है तो आप लोग को वो अनबैन हो जाएगा।
था। तो आप लोग को पता लग चुका है किस तरीके से आप लोग रैंक को अनबैन कर सकते हो, एंड कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे रिप्लाई नहीं दे पाता तब भी मैं कोशिश करूंगा। एंड गाइस आज का आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे सेट कर देना। सो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।